हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनको किस तरीके से फैक्टराइज करना है और कौन से फॉर्मूले इनमें यूज़ होंगे। तो चलिए इन सवालों को देख लेते हैं किस तरीके से करना है और कौन से फॉर्मूलों का यूज़ करना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको करने से पहले हम ये फॉर्मूले देख लेते हैं जो आपको अपने फेयर बाइंडर में नोट भी करने हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस एक्सरसाइज में हमारे इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ होना है इन सभी सवालों को फैक्टराइज करने के लिए। जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का वो दिया है 9x² प्लस 12xy प्लस 4y². अब 9x² को हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 4y² को लिख सकते हैं 2y² प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × 2y, क्योंकि 2 × 3 = 6 × 12xy, तब भी ये क्या होगा, 12xy हो जाएगा। अभी हमारे पास ए प्लस बी वाले होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का 2xy और प्लस का 2xy या 2ab हमारे पास कहाँ था, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में। तो ए की जगह है 3x, बी की जगह है 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हुआ इसका फैक्टराइजेशन। जो इसी का बी पार्ट है वो दिया है 4a² प्लस 16b² माइनस 16ab। इसमें से पूरे में से हम 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा a², यहाँ बचेगा प्लस 4b² माइनस का 4ab। ये a² इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × 2a × 2b × a। तो ये हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला। तो 4 ये ऐसे रहेगा, a की जगह पे a है, b की जगह पे है हमारा 2b, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हुए। इस तरीके से जो बचे हुए बाकी पार्ट हैं वो आपको हल कर लेने हैं।